हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्ट एंड ट्रस्टवाई एचडी चैनल पर। आज हम बना रहे हैं मैंगो रोल। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें दो आम पीस कर उसकी प्यूरी बना ली है। इसे हम चलाएंगे। दो या तीन चम्मच आप इसमें चीनी ले सकते हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसका गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। एक प्लेट में घी लगा देंगे और जो मैंने आम का गाढ़ा पेस्ट किया है उसे प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करके इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसको मैंने एक दिन के लिए धूप में सुखाया है, आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। एक दिन बाद मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ आपको, ये कितना अच्छे से मतलब स्प्रेड हुआ है ये और कितने अच्छे से सूख गया है ये। अब इसके दोनों तरफ हम नारियल का बुरादा डाल देंगे जिससे यह लुकिंग में भी अच्छा हो जाएगा, स्टिकी भी नहीं रहेगा। इसके किनारों को काट लेंगे क्योंकि हम इसके रोल बनाएंगे। अब इसको रेक्टेंगल शेप में हम काट देंगे और एक तरफ रख देंगे। अब मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया है, 1 कप दूध और 2 चम्मच पाउडर शुगर लिए है और इसको लगा, अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है इसे और लगातार चलाएंगे। अगर आपके पास मावा हो तो आप मावा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिल्क पाउडर से बना रही हूँ और मैंने यहाँ 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसको भी लगातार चलाएंगे। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, एक मावे वाली फॉर्म में लाएंगे हम इसको। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। 1 घंटे बाद फ्रीज में से निकालने के बाद आप इसके छोटे छोटे लॉक बना लें, रोल बना लें इसके। आप अगर ये चिपकता है तो आप इस हाथ की घी भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही चिपकता नहीं है। अब हमने जो रेक्टेंगल शेप में मैंगो के वो बनाए थे रोल्स, अब हम इसमें फिल करके इसके रोल बना लेंगे। ये आसानी से बन जाता है। इस तरीके से हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पिस्ता लगाया है, आप अपनी पसंद का कोई भी नट्स लगा सकते हैं आप इसमें, लेकिन इससे बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।